The new topic is enzymes. Enzymes, यहाँ पे देखिए different types के enzymes हैं. First is the lysine. In the case of the plant cells, the cell wall is made up of the cellulose. सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए यहाँ पर जो एंजाइम्स होगा वो होगा सेल्यूलोज. तो यदि प्लांट सेल्स पे यहाँ सेल बॉडी जो है सेल वॉल इसकी मेटअप हो रही है सेल्यूलोज से और यहाँ पे सेल्यूलोज एंजाइम्स के थ्रू डाइजेशन हो रहा है इसका डाइजेस्ट हो रहे हैं पेप्टिनेज प्रोटीएज एंड लाइपेज. एंड सेकेंड सेल इज एनिमल सेल. एनिमल सेल से यहाँ पे देखो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो उसकी सेल वॉल होती है वो डाइजेस्ट होगी presence of the enzymes, proteases and the lipase. तो plant जो animal cells है उनकी cell wall, the cell wall of the animal cell made up of the plasma membrane and that is the proteases and the lipase enzymes. And next cell is a fungal cell. The cell wall is made up of the fungus is made up of chitin. The cell wall of the fungus is made up of the chitin and so chitin is digested to the chitinase, protease and lipase. So different types of cells, there are the different types of the cell wall made up of the and digestion the different types of the enzymes. Now fourth one is the bacterial cells. Bacterial cell, the cell made up of the bacterial cells, peptidoglycan में यहाँ पे देख लीजिए lysozyme enzyme present होगा. It kills the bacterial cell wall and digest the wall. तो जो bacterial की cells है वो peptidoglycan से बनी है वहाँ पे lysozyme enzyme के थ्रू वहाँ पे bacterial cells की wall को kill करेगा और वहाँ पे digest करेगा. Now second one is the endonuclease. अभी आपने first पढ़ा था lysine enzyme ने किस तरह से डाइजेस्ट हुए थे ये सब चीजें अटैचमेंट के लिए. सेकेंड वन इज द एंडोन्यूक्लियस. एंडोन्यूक्लियस में कर द डीएनए एट स्पेसिफिक साइट. प्रीवियस वीडियो मैंने बताया था कि एंडोन्यूक्लियस जो है वो एंजाइम्स है और उसका रोल क्या है. व्हाट इज द हेल्पफुल फॉर बायोटेक्नोलॉजी. यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी के लिए क्या यूज है एंडोन्यूक्लियस का. कर द डीएनए एट अ स्पेसिफिक साइट. तो इसकी किसी भी पार्ट में डिजायर कैरेक्टर को सिलेक्ट करके जो एंजाइम्स का यूज होता है कटिंग के लिए दैट इज अ एंडोन्यूक्लियस इज अ मॉलिक्यूलर सीजर. राइट स्टूडेंट. तो इस वीडियो में आपने डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम्स के बारे में पढ़ा. प्लांट सेल्स में आपने देखा एनिमल सेल्स फंगल सेल्स सो इन केस ऑफ बैक्टीरियल सेल्स और इन सेल्स में किस तरह से इनके सेल वॉल किस तरह से बने हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहाँ पे प्रेजेंट है पेप्टाइडोग्लाइकेन्स किस सेल्स में पाया जाता है बैक्टीरियल सेल में और इसमें कौन से एंजाइम्स यहाँ पे हेल्पफुल है डाइजेस्ट के लिए. तो इस तरह से सेकेंड जो एंजाइम है वो एंडोन्यूक्लियस है जो कि किसी भी स्पेसिफिक साइट से यहाँ पर कट होता है एज लाइक वर्क एज अ मॉलिकुलर सीजर. राइट. तो डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम्स होंगे. नेक्स्ट वी डिस्कस द पैलिंड्रोम्स. पैलिंड्रोम्स के देख लीजिए पैलिंड्रोम्स क्या चीज है. सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट द पैलिंड्रोम्स. पैलिंड्रोम्स क्या है सपोज हम बात कर रहे हैं आपका ये चेन है इस तरह से. अब जैसे मान लीजिए इस तरह से ये है अटैचमेंट क्रोमोसोम्स यहाँ पे फ्रेगमेंट्स अटैच है. दूसरे केस में देख लीजिए यहाँ पर 5-3 सपोज नेक्स्ट 5-3 यहाँ पे बात करते हैं देख लीजिए इस तरह से अटैचमेंट होगा. सपोज यहाँ पे स्पेसिफिक पॉइंट यहाँ से कट रहा है देख रहे हैं ये पैलिंड्रोम्स इस पॉइंट में कटिंग हो रही है. तो पैलिंड्रोम्स का क्या यूज है कहाँ ये जो पैलिंड्रोम्स है इसका यूज क्या है कौन सा फ्रैगमेंट यहाँ पे अटैचमेंट होगा. तो ये डीएनए फ्रैगमेंट में किस तरह से अटैचमेंट है सपोज हम आप बात करते हैं इस तरह से डबल हेलिकल मॉडल आपने पढ़ा है. नाउ द पैलिंड्रोम्स पैलिंड्रोम्स ये 5 एंड 3 स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए सो CCCGGG अटैचमेंट ऑफ द डीएनए इस तरह से अटैचमेंट है ये नंबर्स का ठीक है. और दूसरा जो स्ट्रैंड है 3 एंड 5 सो डबल हेलिकल मॉडल. डबल हेलिकल मॉडल आपने पढ़ा है. तो डबल हेलिकल मॉडल किसने दिया था डबल हेलिकल मॉडल विद द वॉटसन एंड क्रिक. तो ये डबल हेलिकल मॉडल में आपने देखा था
प्यूरीन एंड पिरिमिडीन के बेस डबल हेलिकल मॉडल पे टेस्ट थे, और ये आपने पढ़ा था ए ज्वाइन द टी एंड जी बाइंड द सी. सो इन द केस ऑफ ए ज्वाइन द टी डबल हेलिकल मॉडल ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड एंड जी बॉन्ड द सी ट्रिपल बॉन्ड ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड राइट. सो ए एंड जी इज द प्यूरीन बेस and T and C is the pyrimidine base. Pyrimidine base. Here A for adenine and T thymine, G guanine and C is the cytosine. When A joins the T thymine base double helical model through the double helical model and guanine bind the cytosine, this is the triple hydrogen bond. Okay, so in case of the single strand of the hydrogen bond, dekh rahe DNA hai aur yahan par jo single strand ko dekh rahe hai 5 dash aur 3 dash, jaise ki yahan pe double helical model mein same as it is. Main aapko bata rahi hu palindromes ka kya function hai. Suppose yahan pe cut, we are cut the dead point, yahan se cut ho raha hai is specific point pe, to after cutting the new structure of the palindromes DNA, new structure of the DNA. Suppose यहाँ पे देख लीजिए, इस केस में ये C C C, next is the G G G. देख रहे हैं 5' and 3'. ये अब 5' के बाद यहाँ पे आ जाएगा 3' और यहाँ पे स्टार्टिंग है तो ये 5', right? इसी तरह से सेम एज इट इज पैलिंड्रोम्स के लिए अदर जो स्ट्रैंड है, यहाँ पे आपने देखा कि 3' 5' है और कटिंग डाउन द दैट पोजीशंस एट मींस जी 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 और सी सी सी. यहाँ पे देखिए 3' और 5', यहाँ पे कट हो रहा है इस एस, यहाँ पे इस पॉइंट पे वी हैव कट दैट दिस पॉइंट सपोज 3' एंड अदर एंड इज द 5'. And in this case, other strand show the 3'. ये जैसे first में 3' है और 5' है, after cutting the strand यहाँ पर 3' हो जाएगा और ये 5' तो है ही, ठीक है. तो इस तरह से palindromes की cutting के बाद new fragment किस तरह से attach होंगे, उनके situations कैसी होती है, तो ये this is the palindromes. तो ये आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पे जो कट हो रहा है स्पेसिफिक स्ट्रैंड पे, ये एंडोन्यूक्लियस के थ्रू होगा. तो इस वीडियो में आपको एंजाइम्स के बारे में आपको समझ में आ गया होगा. तो प्लीज मेरे वीडियो को आप लाइक करिए और शेयर करिए.